वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
काट्नु काट्नु पर्यो यो सिधा भयो कि भएन हेर्नु अलि भएन मन निखारी हाल्छ दाजु मेरी प्यारी बुहारी नफ्राकेर पनि अन्त अब गएर चाहिँ छोरा बुहारी अनि हात मिलाउ यता चाहिँ तपाईँ चाहिँ भूमिका जस्तै रहेछ नि केही त वान थियो भएन ठुले नानीहरू Thank you.
Pogo ta. La bhai la. Savitur Eva.
सगाटा सजिलो पनि हुन्छ भगवती अलि सर भाइ अलि त भगवती 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 भग
यहाँबाट सोच्न सक्नु पऱ्यो यसले देख्दाखेरि आँखा चाहिँ देखाउँदै हुन् खास देखिने यहाँ दिव्य चक्षु यहाँ विचारे मान्छेको सबै अनि रत्नबन्ध गरेपछि ज्ञान आउँछ ज्ञान सिक्नुपर्छ अथवा पढ्नुपर्छ मन्त्र पाठ गर्नुपर्छ देवताको पूजा गर्नुपर्छ पितृको तर्पण अथवा उद्धार पितृ उद्धारका कर्महरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब सुनेपछि यो कुमारले के भन्छ अरे भने मैले यी कुराहरू सुनेँ हे बुबा हे आमा म अब त्यसो भएपछि ती कुरा जान्नका लागि मैले पढ्न जानुपर्छ पढ्न जानुपर्छ त्यसो भए म 25 वर्षका लागि मलाई बिदा दिनुहोस् म पढ्न जान्छु कहाँ जान्छु त भन्दा शारदा पर्वतको काश्मीरमा पर्छ त्यो ठाउँ काश्मीरमा म काश्मीरमा त्यहाँ विद्यालय छ त्यहाँ पढ्न जान्छु मलाई बिदा दिनुहोस् भनेर यसले कुमारले त्यसो भनेपछि त्यति टाढा छ तिमी अहिले मुला भोलाहरू घुम्नु छैन भालय बाटामा त केही खानु पाइँदैन फलफुल खाताबाट हिँड्नुपर्छ भुइँमा सुत्नुपर्छ रुखा खेर बाँस गर्नुपर्छ तिमी नजाऊ भने बाबुआमाले भने छोरो के भन्छ त अब कुमारले भने धन्य मातापिता धन्य यज्ञ पुत्र हिमालय सिंह ब्याग्रा के अरे काश्मीर जलसम्म जान सक्ने तिम्रो चाहिँ अहिले बेला भएको छैन नजाऊ त्यहाँ चाहिँ जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्छ धेरै टाढा छ धेरै डाँडाहरू पर्वतहरू काटेर जानुपर्छ भनेर आमाले भनेपछि बाबु भन्छ नि त्यो बाटोमा त बाघ भालु लाग्छन् अनि पानी खान पनि पाइँदैन कति पनि भोकै बस्नुपर्छ भेटिहाल्यो भने एकसाथ खाएर हिँड्नुपर्छ त्यसो भए नजाऊ भनेपछि छोरो भन्छ अथवा कुमारले भन्छ हात पठाउनु कसैलाई सम्झ्यो भने त केही पनि गर्न सक्दैन न पितृ दाजु छ न त्यो तर या तिमीहरूको चक्काहरूलाई मैले जन्माएँहरू कहाँ यत्रो बनाएँ अब अहिले चाहिँ त मलाई छोरो जानुहोस् भने मेरो त्यो के गल्ती हुन्छ त्यो सोझा नजा भनेर बाबु उहाँले भनेपछि छोरो भन्छ हुन्छ 25 वर्ष त्यसो भए म पितृ दाजुका लागि गर्छु देवता उद्धारको लागि पढेर आउँछु त्यो भनेर फेरि ड्युटी गर्छ आमा भन्छु दुर्गमा पर्वता सर दुर्गमा चाहिँ हिमालय दुर्गा दुर्ग
मा शारदा देवी दुर्गम वन बाबायम त्यो त धेरै टाढा छ त्यहाँ जाइ गर्नु पर्दैन नजाऊ यहीँ बसेर पर पर जिउँदा यहीँ पर्ने म व्यवस्था मिलाइ जिउँदा त्यति टाढा रहेछ भनेपछि 25 वर्ष लामो भयो पनि 12 वर्ष लागि लाग्छ भने घरमै बसेको सेवा भगवान्को सेवा गर्न सक्नु आमाले केही बिक्री गरे विशेष गुरु भने पितृको सेवा गर तर पढ्न दिनु छोड हराएको मान भनेको मान त्यसो गऱ्यो भने यहाँ यी सारा बाबुआमालाई डुवाएर बन्धु बान्धवलाई डुवाएर तिमी पढ्न मात्रै भन्दा पनि तिम्रो उद्धार हुनेवाला छैन त्यसो हुँदा यहीँ बस यहाँ बसेर पनि तर यहाँ बसेर मन परि गर होइन यहाँ बसेर पनि गुरुको सेवा गर भनेको पढ्न जाऊ आमा बाबुको सेवा गर घर गृहको सेवा गर त्यसो गऱ्यो भने पनि हुन्छ तर यहाँ के भनेको भन्दा माता गङ्गा समम तीर्थ पिता पुष्कर मेरो त गुरु केदार गृह माता तीर्थ पुनः पुनः माता तीर्थ पिता तीर्थ तीर्थ सद्गुर मान्धव वचन हे त गुरु तीर्थ तीर्थ मता परम आमा गङ्गा समान हुन् बाबु केदार समान हुन् मुखले भनेर भएन आत्माले भन्नु पऱ्यो गङ्गा समान आमा हुन् मेरी भनेर सम्झिनु पऱ्यो पिता केदार समान हुन् भन्नु पऱ्यो गुरु पुष्कर मातालाई माता पितालाई त्यो भावना लिएर तिमीले उद्धार गर्यो भनेदेखि तिमीले यही बसे पनि हुन्छ भनेपछि सबै बाबु ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं इसे कमाना पड़ता है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई धारा और नदियाँ जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू जब ना होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा नाम तेरा जब भी है पुकारा सूरज भी यहाँ है चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई हो गया मेरे घर में उजाला क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला
खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरवाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लाइदिन मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवा। खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए।
अहिले यसरी अबिर लगाइदा नि हुन्छ, टिका थाम्न सक्दैन मेरो काम। गर्मी चाहिँ भगिहाल्छ फेरि अहिले। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। झुका देंगे हम तेरी राह में, जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता thank you.
I'm gonna make it right.
I'm
पानी र भइसको